आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इधर व्यवसायी पीयूष जैन के घर पर छापे का मामला। कन्नौज में मिली 17 करोड़ की नगदी, 23 किलो सोना व 6 करोड़ की कीमत, 600 किलो संदल भी बरामद। नोटों की गिनती अभी तक जारी। डायरेक्टर जनरल जीएसटी टीम के 4 दिनों बाद आज प्रेस रिलीज जारी कर दी। 4 दिन से चल रही जांच का खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि कन्नौज में अभी तक 17 करोड़ नकदी की बरामदगी हो चुकी है और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। कन्नौज में 23 किलो सोना की बरामद हुआ है और 600 किलो संदल भी इत्र व्यवसायी के गोदाम से मिला है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताई गई है। अधिकारियों ने भी यह कहा है, बताया है कि नोटों की गिनती अभी तक चल रही है, जो 23 किलोग्राम सोना मिला है जिसमें विदेशी चिन्ह अंकित है, इसलिए जांच के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय को लगाया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले 5 दिनों से छापेमारी के दौरान मिले सबूतों की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि कर चोरी का खुलासा हो सके। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।